नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर के लगातार जेडीयू में अनबन की बातें सामने आ रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से नाराज चल रहे हैं। अब आरसीपी सिंह जो है तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। इन सभी बातों पर आज आरसीपी सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जेडीयू में सब कुछ ठीक है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह। नहीं, इसको लेकर लगातार सवाल बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मुझे क्या कहना है जी, आप जानते हैं जी। इस पर निर्णय नेता को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। कब तक इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई आपकी? मेरी बताइए, मेरी किनसे दूरी है? मेरी किनसे दूरी है? अगर ये दूरियां ना होती तो इस सब अरे यार यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी ना तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़ने को दूरी है जी। कौन बता दिया आप जा रहे हैं सर? नॉमिनेशन? अरे नॉमिनेशन 24 से 31 तक है जी। अभी तो बहुत दिन है, कैबिनेट मीटिंग है, जा रहे हैं। पटना तो आप हमेशा जानते हो, मंगल को आता हूँ, बुध को कैबिनेट के बाद चला जाता हूँ, फिर शाम में चल रहे हैं। शाम में जाएंगे पटना, बिल्कुल। मतलब आपको एक और मौका मिलेगा केंद्र में अपनी सेवा देने का? अब ये तो देखो, हम फोरकास्ट तो बाबू जानते नहीं जी। हमारा काम है जिस पद पर जिस समय तो उसको काम करना। अब नीतीश जी से मिलेंगे अगर जा रहे हैं पटना तो? अच्छा ये बताइए, आप लोग ये सवाल कहाँ से लगते हैं कि नीतीश जी से मिलेंगे, नीतीश जी से दूरी है, नीतीश जी से मिलेंगे? अरे भाई देखिए, नहीं बिना बिना आग के भी धुआं लोग निकालते रहते हैं। सर सर एक सवाल है कि आपके बहुत अच्छे समूह है, लेकिन अब तक आपके इतने करीबी रहे तब तक आपके नाम पर कोई फाइनल बातें नहीं हो पा रही है? अरे तो भाई देखो, चर्चा, अरे देखिए देखिए, चर्चा तो लोकतंत्र में चर्चा होती रहती है जी। लेकिन आप जानते हैं कि भाई लोग होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, और हमारे नेता का स्वभाव आप जानते हैं, सबका सुनते रहते हैं। मंत्री जी एक सवाल यह है कि क्या आप बने, जो अभी खबर आ रही है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में बहुत नजदीकी है और आपका बीजेपी से बहुत नजदीकी? अच्छा सुनिए सुनिए, बड़ा 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 बड़ी बात बोला जी। बताइए, मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार ये स्पष्ट किया है कि भाई 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए आप जानते हैं चार पार्टियां हमारी, बीजेपी, जेडीयू, आदरणीय मांझी जी की पार्टी, उनके सैनिक की पार्टी, ये लोग मिलकर करके बहुमत में सरकार बनी। तो भाई 2025 तक तो जनता ने वोट दिया एनडीए को, ये बीच में लोग कयास कहां से लगाते रहते हैं? और जो कयास लगाते हैं ना, वो सिर्फ जो तिलंगी उड़ाते हैं। आपकी आपकी जो नजदीकी है, अच्छा बराबर, अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, अच्छा एक एक बात देखिए, मेरा एक स्वभाव है, मैंने कहा भी है कि जहां मैं रहता हूं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। तो मेरी बीजेपी से नजदीकी आज की है जी, आप जरा समझ लीजिए, ये बात को समझिए कि मैं आदरणीय नीतीश बाबू के साथ 98 से हूँ, केंद्र में मंत्री थे वो, किनकी सरकार थी, उसके बाद बिहार में हम रहे उनके साथ, किनके साथ सरकार रही, तो कोई आज से हैं हम लोग, बरसों से हैं जी। तो आप बताइए, बरसों से हैं तो पहले नजदीकी नहीं दिखती थी और आजकल नजदीकी दिख रही है? अच्छा, लेकिन अच्छा ये बताओ, हाँ बड़ा बढ़िया सवाल किया, कल भी आप खूब चलाए भरपेट, वो मेरा कौन सा अकाउंट है पता है ना आपको? ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है। हाँ ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ की जनवरी से है यार, देखो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी? अब ये खुरम हो कि सर, अब उसमें क्या था, उस इस्पाती इरादा, तो हम कोई हमारा कोई अपना पार्टी का हमारा वो नहीं ना है जी, इसलिए इसको भी आप लोग चला देते हो। नॉमिनेशन के लिए कब आएंगे आप फाइल करने के लिए? अच्छा अच्छा, पटना का जेवे करेंगे तो काले चिंता करते हो? मतलब नॉमिनेशन हो जाएगा ये तय? अच्छा फिर आप लोग जो है अच्छा तू ही बता दो, हाँ तुम जानते हो कि भाई नामांकन के पहले जो नामांकन 24 से 31 तक, आज 25 से खाली परेशान हो अभी है नामांकन जेडीयू पार्टी से, जेडीयू पार्टी से। अरे मैं किस पार्टी में हूँ सर? आप केंद्र में? अच्छा मैं किस पार्टी में? जेडीयू में। तो फिर तो सुना आपने आरसीपी सिंह को, जिन्होंने पूरी बात पर अपनी सफाई दी है और कहा है कि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं चुपके से मंत्री नहीं बना था, जब मैं मंत्री बना था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया था, और अगर मैं चुपके से मंत्री बनता तो मेरे से कोई ना कोई इस्तीफा ज़रूर मांगता। लेकिन आरसीपी सिंह के बातों से तो ये लग रहा है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, ये कहने के लिए है। लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति अभी चल रही है, जेडीयू की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे,
या फिर नहीं जाते हैं आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।